इंडिया में हर गली नुक्कड़ से लेकर फाइव स्टार होटल तक नजर आने वाला समोसा इंडियंस के लिए फेवरेट डिश है। बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिसे समोसा ना पसंद हो, लेकिन बहुत कम लोगों ने ये जानने की कोशिश किए होंगे कि आखिर समोसा की शुरुआत कैसे हुई। समोसे की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है और ख़ास बात यह है कि इसकी शुरुआत इंडिया में नहीं बल्कि किसी और देश में हुई थी। हिस्टोरियंस का मानना है कि समोसे का जन्म इजिप्ट में हुआ था, जिसके बाद ये लीबिया पहुंचा और उसके बाद मिडिल ईस्ट एशिया होते हुए इंडिया तक आया। रेसिपीज के नज़र में समोसे ने जितनी लंबी यात्रा तय की उतना किसी भी रेसिपी ने नहीं की होगी। 10th सेंचुरी में मिडिल ईस्ट पहुंचे समोसा 13th-14th सेंचुरीज में बिजनेस पीपल के माध्यम से इंडिया पहुंचे। ग्रेट पोएट अमीर खुसरो ने एक जगह पर जिक्र किया कि दिल्ली सुल्तानेट में उस दौरान स्टफ्ड मीट वाला घी में डीप फ्राइड समोसा शाही परिवार के सदस्यों और अमीरों का फेवरेट डिश था। 14th सेंचुरी में इंडिया यात्रा पर आए इब्न तुता को मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भोजन के दौरान मसालेदार मीट और ग्राउंडनट के समोसे सर्व किए गए थे, जो लोगों ने बड़े चाव से खाए। यही नहीं, 16th सेंचुरी के मुगल टाइम के डॉक्यूमेंट्स में भी समोसे का जिक्र मिलता है। समोसे को इंग्लिश में समोसे ही कहा जाता है, लेकिन अरबी में संबुस्का, बांग्लादेश में सिंघाड़ा, गुजरात में सुमोस, पारसी और उर्दू में संबुस्क, टर्की और मिडिल एशिया में समसा, ईरान में सनबूस नाम से जाना जाता है। समोसा की उम्र भले ही बढ़ती गई, पर लास्ट 1000 ईयर्स से उसके ट्रायंगुलर शेप में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। आज समोसा वेज और नॉन वेज दोनों में अवेलेबल है, तो भी आलू समोसा का कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद पनीर और ड्राई फ्रूट समोसा पसंद किए जाते हैं। अब तो स्वीट समोसा भी मार्केट में अवेलेबल है। वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग डीप फ्राई कम पसंद करते हैं, उन लोग समोसा बेक करके खाते हैं। यूपी और बिहार में आलू के समोसे, गोवा में नॉनवेज समोसे, पंजाब में चटपटा समोसा, चाइनीज लवर्स नूडल स्टफ्ड समोसे पसंद करते हैं। समोसे के पैशन के कारण बिजनेस करने कई मल्टीनेशनल कंपनीज इसे फ्रोजन फूड के रूप में भी मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं। आज भी वर्ल्ड में समोसे एकमात्र ऐसा डिश है जो टाइम पास के लिए ज़्यादा खाया जाता है। इंडियंस इसके साथ चाय भी लेना पसंद करते हैं। इंडियन फैमिलीज में गेस्ट को आज भी समोसा ज़रूर सर्व किया जाता है। समोसा का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि हर किसी की जुहान पर अपना प्रभाव छोड़ ही जाता है, और इसके बिना तो नाश्ता कंप्लीट ही नहीं होता है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.